अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैंने अपना ब्लॉग्स नहीं बनाया, बस मुझे आज टाइम नहीं मिला और मेरी तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए थोड़ी सी वीडियो बना पाई हूँ। तो मैं आपके के साथ एक बात करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं मतलब ब्लॉग्स के साथ साथ आपको अपनी नॉलेज भी शेयर करूँ, जो मेरे पास नॉलेज है कि रिश्तों को कैसे मैनेज करें अपने बहन भाई, अपने पति, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, उन सब के साथ कैसे रिलेशनशिप ठीक रहे हमारी। तो मैं आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा आज व्लॉग थोड़ा कम बनाऊंगी और मुझे टाइम भी नहीं मिला। आज मेरा मन भी नहीं था व्लॉग्स बनाने का, और पहले मैं घर थी, फिर मैं दुकान पर गई और दुकान पर जाके मैंने 3 सूट की कटिंग किए, और 3 सूट की कटिंग करने के बाद फिर मैं सूट लेकर घर में आ गई। सूट मैंने घर बनाए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर करूँ कि आप मतलब बात किसी भी एज में कैसे फिट और कैसे स्मार्ट दिख सकते हैं, मतलब आपकी एज चाहे जो भी हो, आप अपनी एज से कम के कैसे दिख सकते हैं, आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं। तो गाइस, मैं ब्लॉग्स तो बनाती रहूँगी, ब्लॉग्स के साथ साथ मैं अपनी जो मेरे पास नॉलेज है मैं वो भी शेयर करूँगी, हेल्थ से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि मैं आपको क्या दूँ, आपको क्या पसंद है, आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। वैसे मैं आपको मतलब जो मुझे ज़्यादा नॉलेज है, वैसे तो मुझे हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज है, किचन से रिलेटेड और घर से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड और सिलाई, ब्यूटी पार्लर, मुझे हर एक चीज़ का नॉलेज है। मतलब अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने मुझे परफेक्ट बनाया है, परफेक्ट। और मैं आपको बताऊंगी कि अपनी सेल्फ केयर कैसे करें, बड़ी फैमिली में अपना ख्याल कैसे रखें, हेल्दी कैसे रहे, मतलब अपनी एज से कम का कैसे दिखे, अपने फेस को कैसे मेंटेन रखें, अपनी डे रूटीन कैसे बनाए, मतलब कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं, किससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, किससे आपका नुकसान होगा, आप मतलब कहाँ रहे ज़्यादा, कहाँ रहे आपका घूमने का मन करे तो आप क्या करें। अगर आप वूमेन हैं, आप घर से बाहर नहीं जा सकती, खैर मैं तो मेरे घर में तो ऐसा नहीं है कि लेडी से बाहर नहीं जा सकती, मैं तो बाहर जाती हूँ और मेरी शॉप भी है बाहर में। अगर आप घर में रहती हैं तो आप अपना टाइम कैसे मेंटेन करें, अगर आपके पास ज़्यादा काम है तो उस आप ज़्यादा काम को कैसे आसानी से काम निपटा सके, और अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो फिर आप कैसे काम कर सके। अब वैसे तो अल्लाह ताला सबको अच्छी ज़िंदगी दे, मैं दुआ करती हूँ कि सब सलामत रहे, सब खुश रहे। और वैसे अगर आप मतलब आप अगर कुछ नहीं करती है, जैसे कि कुरान नमाज नहीं पढ़ती है, तो आप इसे अपनी डे रूटीन में कैसे शामिल करें, कैसे आप नमाज की आदत डालें, कैसे कलाम पाक पढ़ें और कलाम पाक को समझ कर पढ़ें, और कलाम पाक हमारा कैसे साथ देती है। आप तस्बीहा पढ़ें, जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप मतलब आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसमें क्या करें, मैं आपको इससे बात के बारे में बताऊंगी। मतलब आप अकेले रहकर कैसे खुश रह सकते हैं, आप अपनी खुशी को कैसे पूरा कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशियां कैसे ला सकते हैं। मतलब आप दूसरों से उम्मीद मत कीजिए, आप अकेले रहकर भी खुश रह सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं आगे मिलूँगी आपसे।